तो यहाँ पे देखो अच्छी खासा डिस्काउंट शुरू है, सोच रहा हूँ एक शूज ले लूँ, देखते हैं। वैसे 999 इज कम्प्लीटली वर्थ इट फॉर दिस यार। ओके भाई डन है, ये वाले हाइकिंग शूज में ले रहा हूँ। वैसे तो राइडिंग बूट्स पहन सकते हैं, लेकिन राइडिंग बूट्स पूरे गंदे हो जाते हैं और अंदर पूरा पानी भर जाता है, वो लेदर होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। ये फैब्रिक है तो वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये जल्दी सूख भी जाएंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम। अब वाटर प्रूफ शूज़ है वहाँ पे, लेकिन वो वार्म वाले है, मतलब अंदर उसका वार्म वाला कुछ नहीं है, तो भाई पसीने छूट जाएंगे। तो उससे अच्छा यही है, 1000 रुपये में नॉट बैड यार, 1000 रुपये में यार ऑनलाइन भी नहीं मिल रहे। लो कर लो बात, 500 रुपये की शॉपिंग करने आया था और 1500 की शॉपिंग हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसे शूज चाहिए थे एक्चुअली, क्योंकि अभी मॉनसून में अपने जो प्लान्स है, हल्का फुल्का ट्रैक भी होना तो तकलीफ होती है, और राइडिंग बूट्स में बहुत तकलीफ होती है भाई। और बारिश शुरू हो गई। नहीं, ये वीडियो कॉल है, उसको तो बता सकता था, लेकिन फिर कौन सा नाम है, फिर क्या, फिर स्पेलिंग बताओ, इतना टाइम नहीं है भाई जल्दी जाने का। तो फाइनली अपना स्टॉक आ चुका है, ये है बाग बस्टर्स, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका। तो अपने पास अभी स्टॉक खत्म हो गया था एक्चुअली, तो और भी स्टॉक है, ये फिलहाल यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, व्हाइट भी है ब्लैक भी है। इनकेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, DM जरूर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करने ना, व्हाट्सएप का भी लिंक है, व्हाट्सएप पे भी DM कर सकते हो, या तो वंडर्स एंड गियर्स के इंस्टाग्राम पे। वैसे इसकी प्राइस है 2499 इंक्लूडिंग शिपिंग, और ये यूनिवर्सल है, तो ये कोई भी बाइक पे लग जाएगा। 2 विंड डिफ्लेक्टर्स और 2 साइडेड इसका जॉइंट है, जैसे ये देखो ये ड्यूअल जॉइंट सिस्टम है, तो ये कोई भी बाइक पे आराम से लग जाएगा, और इसका विंड डिफ्लेक्टर है। वैसे दिखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ साथ सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, वेरी गुड क्वालिटी रॉड्स, तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताना। ऑलराइट दोस्तों, एपिसोड 2 काफ़ी लोगों को पसंद आया, थैंक यू सो मच। रिसेंटली मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे देखा कि कुछ कुछ वाटरफॉल्स पे अलाउ नहीं कर रहे, 144 लगा दिया क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है। तो अभी मुझे पता नहीं कि आने वाले एपिसोड्स में जहाँ मैं जाऊँगा, मैं तो खैर वीकडे में जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो थोड़ा सा मुझे इधर उधर पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करके भाई वहाँ जाएँ और पता चले कि वापस जाओ तो फिर क्या ही मतलब है। खैर ऑफबीट मॉनसून ओडेसी के सारे एपिसोड्स वाटरफॉल होंगे ऐसा नहीं है, वाटरफॉल तो बस कुछ कुछ जगह है, कुछ कुछ जगह बिना वाटरफॉल वाली भी है, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लोकेशन, ऐसा लगेगा भाई कहाँ आ गए हम लोग। तो बस उसी की प्लानिंग शुरू है, और पिछले वाले ट्रैक से मेरे पैर इतने दुख रहे कि 3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, इनफैक्ट अभी भी बहुत दर्द कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक स्टोरी डाली थी एपिसोड 2 के जस्ट पहली रात को, मैंने इससे चेन ल्यूब किया था एक्सपल्स का, ये नॉर्मल अपना टूटी ऑयल डाला है इसमें, ये ऑयल डिस्पेंसर की कैन है, ये मिस्टर DIY से लिया है मैंने, लेकिन ये थोड़ी सी लीक होती है यहाँ से, ठीक है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई ये क्यों यूज़ कर रहे हो, चेन ल्यूब क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो देखो बारिश में यूजुअली अगर मैं मानसून राइड्स करता हूँ, एक्सपल्स हो या कोई भी बाइक हो, तो मैं टूटी ऑयल नॉर्मल यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा चेन को ज़्यादा मॉइस्ट रखता है और रस्टिंग से बचाता है, तो इट लास्ट लिटिल लॉन्गर, पानी से जल्दी निकलता नहीं है, मतलब ल्यूब जल्दी निकल जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर अल्टीमेटली चेन बाद में ड्राई हो जाती है सूखने के बाद, और फिर वो रस्टिंग चालू हो जाती है बिकॉज ये मॉइस्चर बहुत होता है। तो एक छोटी सी टिप है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर योर मॉनसून राइड्स और मॉनसून मेंटेनेंस ऑफ योर बाइक। वैसे तो यार यही पहले लोग लगाते थे, ये चेन वेन ल्यूब सब 5-6 सालों में आया, नहीं तो पहले यही चलता था सब कुछ, और बाइक्स तो चलती थी ना, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी उतना ही अच्छे से काम करता है। चेन ल्यूब थोड़ा सा एक ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा वेस्टर्न वे ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग योर चेन है, अपना देसी तरीका है ये। ऑलराइट पार्सल इज हियर, इसमें है बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सामान जो मुझे ऑफबीट मॉनसून ओडेसी में काम आएगा और वैसे भी काम आएगा। यस, ये है एक विंटर बलक लावा, अभी ये मैं यूज़ करने वाला था मेरे लॉन्ग राइड पे, लेकिन लॉन्ग राइड हो नहीं पाई, परफेक्ट फिट। अभी देखो ये पार्ट अपना ड्राई फिट मटेरियल है, ये इतना पार्ट भी ड्राई फिट मटेरियल है, विच इज़ गुड, मतलब इतना पार्ट हेलमेट में ओपन रहेगा, और बाकी सब कुछ भाई साहब इंसुलेटिंग मटेरियल है, गरम गरम कपड़े रहते हैं ना वैसा है, तो इसमें जो हवा लगती है ना, जो नेक पे लगती है, इधर उधर लगती है, पीछे लगती है, वो नहीं लगेगी भाई। ये माउंटेंस के लिए बहुत काम की चीज़ है, ये मैं अभी माउंटेंस में लेके जाने ही वाला हूँ एवरी टाइम आई गो, और आई थिंक विंटर राइड्स में भी काफ़ी काम आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कूपन कोड है, वो कूपन कोड यूज़ करेंगे WSFIVE, तो आपको कोई भी राइडा प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन राइडा गियर्स वेबसाइट। वोहो, ये रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, ये है एक रेन कोट बेसिकली, ये देखिए भाई साहब, वेरी नाइस कलर, नियॉन, विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी,
और सबसे अच्छी बात है सामने से खुलता है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे देखो पूरा इसका जिपर जो है पूरा सील्ड है, आई डोंट थिंक इसमें पानी घुसेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट राइडा MX गॉगल्स, यस ये काफी टाइम से इन्होंने लॉन्च किया लेकिन मेरे पास जो है वो अभी आया है। और ये मैंने मंगाया है ट्रांसपेरेंट वाला, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट वाला मेरे काफी काम आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रांसपेरेंट वाला भी यूज कर ही सकता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी मुझे फॉगिंग का तो टेंशन है नहीं, ऊपर से नाइट विजिबिलिटी का भी टेंशन नहीं है, टेंशन ही नहीं। ठकुरन जी बड़ी गुस्सा होने वाली है, सामान बढ़ता जा रहा है घर में। अभी ये तीसरा गॉगल है मेरे पास, दो गॉगल है और ये एक और क्या बोलना रहा, जो पोर्टेबल ट्रैकिंग वाले गैस स्टोव होते हैं ना, तो वो सोच रहा हूँ कि मैं एक सेट ले लूँ। कैसे अपन इतना ट्रैवलिंग करते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम पड़ सकता है, पहाड़ों में जाते हैं, यहाँ पे सह्याद्री में जाते हैं, या तो कोई बीच पे आते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो फिर वो चीज़ कभी भी यूज़ हो सकती है। मैगी वैगी तो बनी जाएगा, चाय कॉफ़ी बन जाएगी और एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आप लोग को शेयर करने में भी मज़ा आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं आपके भाई के, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना ऑन एवरी वीडियो। और थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी मुझे विश किया फॉर 150,000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। 2 लाख बस जल्दी जल्दी हो जाए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। हो अभी चालू है तूफान बारिश बाहर और मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब पता नहीं, मैं सोच तो रहा हूँ कल राइड पे जाने का, लेकिन ऐसी बारिश रहेगी तो क्या ही इंसान राइड करेगा। राइड चलो राइड तो कर लेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन शूट क्या ही करेगा यार, ऐसे इसमें क्या ड्रोन उड़ाऊंगा मैं। निकलने का टाइम आ गया है, तो काफ़ी हवा कम हो गई थी बाइक में, इसीलिए बाइक में हवा भरने आया तो यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे वॉल थोड़ा लीक है, बहुत कम आवाज थी पीछे के टायर में भाई, तो चलो वॉल भी चेंज कर लेते हैं, फालतू में राइड में टेंशन नहीं चाहिए अपने को। ये देखो ये लीक हो रहा है, ट्यूब टायर का ना यही लफड़ा होता है, बारिश में थोड़ा कम ही रखो, पीछे स्लिप मारता है ना। तो आ गए हो चेंबूर, अब सोचा ये साइड आ गया तो बस अभी ये हेलमेट में ना अंदर काफ़ी गंदा हो जाएगा, देखो ये पूरा लाइनर ओपन है ना, तो यहाँ काफ़ी गंदगी आ जाएगी, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, ऐसे हेलमेट्स को ये तो होना ही है। इसमें अंदर वाइजर भी नहीं है ना अलग से। अरे आइए, साइलेंट बाइकर, देखिए कैसे पतले हो गए हैं, क्या चल रहा है, गाड़ी बेच दिया, ऑफ रोडिंग चालू कर दिया, अलग ही कुछ चल रहा है इसका। तो बस अभी इससे मिलने आए हैं वैसे ही, वैसे ये एरिया में खाने पीने का बहुत तरह दबा के देखो, पब्लिक कैसा खा रही है, इधर उधर हर जगह खाने का ही मिल रहा है यहाँ पे, स्टेशन का एरिया ना। हाँ, और चेंबूर ऐसे भी खाने के लिए फेमस है लगता है। और यहाँ पे कुछ लोग हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हेलो हेलो, सब्सक्राइब करना भाई, चले गए भाई। राइड पे कैसे जाएगा अभी, बाइक नहीं है तो आ जाएगी तब तक, आ जाएगी तब तक, सिलेक्ट कर लिया। ओहो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो करण साइलेंट बाइकर, जाते हैं कभी करते कुछ, फिलहाल तो उसके शॉप में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया बारिश की वजह से, थोड़ा एक ऐसा वाला स्लैब रहता है ना वो गिर गया, तो इसकी वजह से थोड़ा बिजी है ये वीक में, सोच रहा था इसको लेके जाओ लेकिन कोई बात नहीं। ये मिट्टी है रोड की मिट्टी जो यहाँ पे अंदर घुस रही थी, तो ये हेलमेट का एक्चुअली यही ड्रॉबैक है, अभी कुछ कर नहीं सकते भाई साहब। सुबह से इनफैक्ट कल से तगड़ी बारिश शुरू है, पता नहीं यार थोड़ी तो कम हो जाए यार, इतनी भी बारिश नहीं चाहिए। एनीवेज मस्त खायचा दिवस है मित्रांनो, आज पावसाचा दिवस है, चिकन बनाया है मैंने, चिकन अभी पक रहा है, उसके बाद मैं ही उसको बनाऊंगा कड़े में, ये मसाला वसाला इसमें निकाल के रखा है। वैसे मौका अगर दिया तो आपका भाई अच्छा नॉनवेज बना सकता है, मैंने बनाया है, अच्छा बनाया, एकदम वो ठकुराइन जी जैसा या मेरी मम्मी जैसा तो नहीं बनाया लेकिन बनाया है अच्छा खासा, तो मेरे हिसाब से मैं बना के खा लेता हूँ, कुछ दिन की बात है बस, उसके बाद ठकुराइन जी और अरेका आ जाएंगी और फिर अपनी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी, नहीं तो अभी अकेला अकेला ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, बहुत ही पक चुका हूँ, कभी कभी ऐसा बोर हो जाता है ना, फिर भी ठीक है अपनी सीरीज शुरू है तो मेरी ट्रैवलिंग शुरू है तो उतना मज़ा आ जाता है। मैं एक्चुअली उसको वहाँ पे ड्रॉप क्यों किया, क्योंकि आई वॉज सपोज टू गो टू नॉर्थ लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो उस चक्कर में थोड़ा सा प्लान बिचक गया, लेकिन कोई बात नहीं। कल परसों ये पार्सल आया और ये देख के मैं खुश हो गया भाई, ये अपने रवि भाई ने भेजा है, मुझे लगा कि भाई अपने वेन्यू का वाइपर खराब हो गया, तो उन्होंने वाइपर तो नहीं भेजा, इतना बड़ा देखो वाइपर ही लगता है ना, लेकिन नहीं है वाइपर नहीं है, बाद में मैंने चेक किया ये तो छाता है। रवि भाई फिर वॉचिंग, अगर क्विक फिक्स इंडिया की तरफ से वेन्यू के लिए वाइपर मिल जाए तो मजा कर रहा हूँ। तो चलो इसको खोलते हैं और ये व्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है। वो दिस इज ह्यूज, ये तो पोपटलाल के छाते से भी बड़ा है।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी। ये वीडियो में बस इतना ही, और लाइक का बटन जरूर दबाना, लाइक के बिना मत जाना, क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब एल्गोरिथम उसी तरह से काम करता है, जितना लाइक करोगे उतना वीडियो ज्यादा लोगों को रिकमेंड होगा और अपना चैनल ग्रो होगा। टुमारो आई एम सपोज टू गो फॉर एपिसोड 3, लेकिन आई डोंट नो, ये बारिश इतनी शुरू है, पता नहीं यार क्या करूं। चलो खैर देखते हैं, जो भी आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगी, वॉन्डर्स ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी देयर। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और पहली सिटी होने वाली है, अरे हो जा। वैसे सिटी होने तक आपको बता दूँ, कल रात को ऐसे मैं टीवी देख रहा था और फिर मैंने कुछ पुराने वाले निखिल के मोटो व्लॉग्स लगाए जहाँ पे वो टूरिंग कर रहा है लंबा कोलकाता लखनऊ ये वो। बाद में मैंने मेरे भी लगाए, बाद में कुछ और यूट्यूबर्स के भी लगाए, और ऐसे ही गुड ओल्ड डेज याद आ गए यार, जब मोटो व्लॉगिंग बहुत ही सीमित थी, बहुत ही प्योर थी, और पता नहीं वो अलग ही मज़ा आता था, अलग ही लगता है वो देख के मैं नॉस्टैल्जिक हो गया एकदम। वो 5 साल पुराना मुझे ज़माना याद आ गया, जब YouTube काफ़ी प्योर था, लेकिन अभी इतना प्योर नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तरफ से कोशिश जारी है, आपका बस सपोर्ट चाहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना Instagram पे, वहाँ पे अपडेट्स आती रहती है रिगार्डिंग एवरी ट्रैवल। मिलते हैं, चिकन खाता हूँ मस्त।